गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं निकल रहा हूँ इस समय, देख सकते हो गुरुद्वारा का रूम ऐसा है यहाँ पे, ये बाहर का रूम है और मैं अंदर वाले रूम में था। इस वाले रूम में जूते पहनते हैं और निकलते हैं सीधा अपने ड्राइव पे। तो फिर निकल पड़े हम अपने सफ़र पे। आप लगा लो कि मैं कल रात लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से उल्टा आया था इस साइड गुरुद्वारे के लिए। तो भाई ये पूरा सितारागंज ही है, और आपको बता दूं कि मैं थोड़ा किनारे से जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से बिल्कुल उस वाली रोड से जाता, इसके पीछे भी एक और रोड है यहाँ साफ दिखाई दे रही है, तो वहाँ से मुझे पूरा मार्केट पड़ता। मगर मेरा जो रूट है वो बॉर्डर के साइड से है मेरा जो रूट है, ठीक है। और धूप भी काफ़ी अच्छी लगी है, सुबह सुबह की धूप। तो मैं आया हूँ थोड़ा रोड के किनारे पे खेतों में, थोड़ा थकान लग गई थी इसलिए थोड़ा आगे बैठने के लिए। चलो भाई चलते हैं आपस से, कुछ छोटा तो नहीं भाई मेरा। धूप देखो कितनी बढ़िया हो रही है भाई, झकास वाली धूप हो रही, झकास वाली। अपने को ढाबा मिल गया भाई यहाँ पर, और यहाँ पर खाना खाएगा तुम्हारा भाई, नाश्ता करेगा भाई, नाश्ता करके चलूँगा। देखो यहीं पर सामने में ढाबा है। तो भाई ढाबा देख रहे हो कितना बेहतरीन ढाबा है भाई, आप चाहे तो फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है भाई, ये देखो भाई है ना, बढ़िया बना रखा ना पूरा झकास। उधर भी एक कमरा, और ये इनका मीन है, यहाँ पर कॉफ़ी कॉफ़ी चाय चुई या नाश्ता बनाते हैं कुछ भी। तो भाई मैंने तो पराठा ऑर्डर किया है सुबह का नाश्ता, और पराठा करते हैं सुबह जाते हैं फिर यहाँ से अपने ट्राइब के ऊपर नाश्ता करके। ये देखो भाई डेकोरेशन हुआ बढ़िया, ये अचार है और ये हरी चटनी है और ये चाय है और ये पराठे हैं दो, खाते हैं इनको और चलते हैं फिर आराम से। काफ़ी अच्छे बनाए हैं भाई, मैंने टेस्ट करके देखिए बहुत अच्छी बना रखी है पराठे। तो खाना खा गया भाई, फिर निकल पड़े अपने पड़ाव पे। देख रहे हो भाई एक मस्त सी जगह मिली है, रोड वोरी सामने पे ही। और ये जगह जो आप देख रहे हो, इस जगह का नाम है बुद्ध विहार। वहाँ पर बुद्ध भगवान की यहाँ पर मूर्ति है उस जगह पे, ठीक है। और मैं यहीं पर रुका हूँ भाई थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। अरे भाई साहब, तो बोले चलो भाई तैयार हो गए, चलो फिर चलते हैं यहाँ से भी, पकड़ते हैं अपना ट्रैक। अच्छी नींद आ गई भाई, ये भाई एक नया मार्केट आया और पता नहीं जगह का नाम क्या है, गूगल में ही नहीं बता रहा भाई जगह का नाम। इसके बाद यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के बाद खट्टमा पड़ जाएगा, इसके बाद खट्टमा है
मगर यार लोकेशन पता नहीं कौन सी है, अरे पूछता हूँ किसी को इस जगह का नाम क्या है। ये भी अच्छा मार्केट है भाई, छोटा मोटा मार्केट ही है ये। क्या सलकट है? जनकट, जनकट, जलकट। अरे है यार कहाँ बना रहे हैं। अरे तो भाई यहाँ पर का नाम जलकट है ना, जलकट। इसके बाद यहाँ पर खटमा, हाँ खटीमा पड़ेगा इसके बाद। और ये मार्केट है जलकट ना, जनकट, जनकट यार, जलकट। अभी मैंने यहाँ पर भैया को बोला है कि राइस बना दो भाई, क्योंकि मैंने दिन को तो कुछ खाया नहीं और लगभग तीन बज चुके हैं, तीन साढ़े तीन हो गया, तो राइस खाते हैं उसके चलते हैं यहाँ से सीधा। ये फ्राई राइस है, यहाँ इस साइड में फ्राई राइस बहुत चलते हैं, इस हमारी साइड तो चलता नहीं मगर इस साइड बहुत चलता है। तो भाई ये हो गया हमारे फ्राई राइस चाट भाई, खाते हैं इनको, खाते निकलते हैं भाई यहाँ से। 25 किलोमीटर आ चुका हूँ भाई मैं, खतरनाक ही सीन हो रहा है। उत्तराखंड से निकला फिर यूपी में पहुँचा और फिर उत्तराखंड पहुँच गया, दो दिन से फिर उत्तराखंड में ही चल रहा हूँ मैं, दो तीन दिन से। बीच में यूपी पड़ता है ना बीच में, तो उसके बाद दोबारा उत्तराखंड पड़ जाता है। तो ये है भाई हमारे फ्राई राइस, ये पड़ा नींबू भाई इनके ऊपर, ठीक है भाई। और ये हमारा दिन का खाना, खाते हैं इसको और चलते हैं फिर यहाँ से। तो हो गई भाई हमारी पेट पूजा, हो गया हमारा खाना, फिर निकल पड़े हम। और ये है भाई खटीमा मार्केट, तो आज मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ मुझे रहने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि आप बहुत चल चुका हूँ मैं, 30 किलोमीटर चला हूँ आज और खटीमा मार्केट पहुँच चुका हूँ भाई। देख रहे हो काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी बड़ा शहर है, अपने को अपने के लिए कोई बढ़िया सी जगह देख रहा हूँ मैं। पहले तो गुरुद्वारा होगा साइड, अगर नहीं होगा तो देखते हैं फिर कहाँ पर रहने का सीन बनता अपना आज रहने का। तो भाई मुझे लगा ये मेला लगा हुआ है, ये मेला ख़त्म हो गया है, एक दो दुकानें बची हुई खाली बस यहाँ पर, और सारा मेला कल ख़त्म हो गया था, ये अभी तक लगा है मगर कल अपन खा रहा है आइसक्रीम भाई, मेले के आइसक्रीम भाई। थोड़ा देर बैठ, कमर दर्द होती है तो थोड़ा बैठ गया मैं, और वैसे भी आज अगर गुरुद्वारा नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा तो मेरे पास स्टे करने के लिए बहुत जगह है, देख रहे हो ये फुटपाथ टाइप का है लेकिन उस साइड रोड है और मैं यहाँ पर आराम से अपना लेट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रात भर। तो ये है भाई मेरा कमरा आज का, देख लो भाई बहुत बुरी हालत है भाई कमरे की, समझ नहीं आ रहा कैसे सो लो यार, मगर बाहर रहने से बेहतर तो भाई यही सबसे बढ़िया है भाई। देख लो काफ़ी गंदा है भाई, बड़ी गाड़ी पड़ी हुई है, यार नींद कैसे आई मुझे समझ नहीं आ रही है यार, बहुत बुरी कंडीशन है इस धर्मशाला की, बहुत बुरी कंडीशन है धर्मशाला है, और सब ढूंढे ढूंढे बहुत वक्त लग गया मेरे को भाई, यहाँ गुरुद्वारा तो है नहीं, धर्मशाला में ज़्यादातर सफाई रहती है मगर यहाँ तो पता नहीं क्यों नहीं करेगी, देख रहे हो कितनी गंदगी है।
छोड़ो यार, हम चलते हैं बाहर खाना खाने के लिए। जैसा है ठीक है भाई, बाहर सोने से बढ़िया तो बहुत बेहतर है भाई। तो भाई मैंने सामान सामान रख दिया, अब मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने के लिए। और थोड़ा मेला भी घूम लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, मेला घूम लेते आज भाई। थोड़ा घुमाना है, दिखाना है बनता, नहीं तो आप खाली ऐसे बोलोगे भाई वीडियो में सिर्फ यार तू रोड ही दिखा रहा है भाई और कुछ दिखा नहीं रहा है भाई, ठीक है ना। तो आज मेरा वक्त काफ़ी ज़्यादा है और मैं काफ़ी जल्दी पहुँच भी गया था, और सफ़र भी काफ़ी छोटा था, 30 किलोमीटर का, ज़्यादा सफ़र नहीं किया आज मैंने, ज़्यादा 50-60 किलोमीटर नहीं किया मैंने, छोटा सा ही सफ़र था। तो चलते हैं सीधा भाई, टाइम वक्त काफ़ी ज़्यादा है, और ना खाना खाएंगे उसके बाद थोड़ा घुमाऊंगा फिराऊंगा आपको मेले में। भाई मेला तो स्टार्ट हो गया होगा, वैसे तो मेला ख़त्म हो रखा है मगर शायद से 1-2 दिन और लगेगा और चलेगा मेला। और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। तो उस टाइम देख रहे हो भाई, मैं जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे बिल्कुल सुनसान था, अब देखो कितनी वहाँ भीड़ लग गई यहाँ पर। मेला तो ख़त्म हो गया ना, आ जाएंगे वही टिकट बनाने गली बना। तो भाई मुझे भी लग रहा था मुझे भी घूमना चाहिए एक बार रिवाली चरखी ऊपर वाली भाई। और टिकट कितने का है, 50 रुपये का। और ये है भाई ड्रैगन, है ना, देख रहे हो अब जाके मेला लग गया भाई, ये लगा हुआ है, मतलब ये मेला कल ही ख़त्म हो गया था मगर आज भी चल ही रहा है, आज तक है मेला। और भाई मैं भी जाऊंगा इस चरखी में भाई, जब ये दूर आए हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो करना है यार, खाली बैठ के भी क्या करना, सिर्फ सो जाना। भाई मज़ा आ रहा है फुल, ये ट्रैक वाला मज़ा है पूरा भाई, लेकिन से जा रहे कैसे चला रहा है हैं, ये वाला ओ भाई गॉड, ओ नीचे जाना तो होता है, दूसरा आपको ऊपर से मेले का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। जरूर सोचने की जरूरत नहीं है, जब आपके यहाँ जो जो है और साथ में झूला बढ़िया है, गोली ना जाऊँ ये लगा रहा है तना आ रहे ना, नीचे तो देख रहा था ना, लग रहा था जैसे बहुत सही मज़ा नहीं आ रहा भाई यार, बहुत स्लो स्लो चला रहा है भाई। ओह भाई अब भगा इसमें भाई, अब रील बनाएगा। ओह भाई कम कर भाई फाड़ दी रे इसने, अरे कम कर यार, और तेज देख रहे भाई, ड्रोन शॉट की जरूरत भी नहीं है भाई, देख लो यार पूरा भाई, पूरा मेला देख लो भाई, क्लैरिटी बहुत सही है। ये पूरा ऊपर का व्यू है भाई, हम क्योंकि ऊपर ही बैठ गए ना अभी, मैं भाई मैं नीचे जाऊंगा 2 घंटे बाद। तो भाई मैं आ गया रूम में और काफ़ी इन्जॉय किया मेले में, खाना भी खा लिया और अब सीधा सोऊंगा, उसके बाद कल सुबह निकल जाऊंगा ऐसे सुबह। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ भाई, मिलते फिर कल।